हे दोस्तों, वेलकम टू हाउस डॉक्टर स्टूडियोज़। आज की वीडियो हमारी खास होने वाली है क्योंकि ये हाउस हमने रोहित साहनी जी के लिए बनाया है जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और जो ये घर है हमने इसको नाम दिया है शाहजी भवन। जी हाँ, और अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करें तो इसका प्लॉट साइज़ 40x46 फुट और 6 इंच का है। अगर हम इस हाउस को नॉर्थ फेस से देखें तो आप इस हाउस को सेमी वास्तु भी बोल सकते हैं, मतलब ये कि इसमें 50% वास्तु है और आप एक अच्छे घर के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसका 2D लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जो हाउस की बाकी की डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि अच्छे कंटेंट हम आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। और दोस्तों, अगर आप इसके फ्रंट में देखें तो आपको अच्छे बाउंड्री वॉल के साथ अच्छा एलिवेशन देखने को मिल जाता है और ये हाउस हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रहेगा जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आपको अच्छी खासी पार्किंग मिल जाती है और फ्रंट में ओपन स्पेस भी देखने को मिलेगा और जो हमारी पार्किंग है, आप इस पार्किंग में अपनी 2 कार आराम से खड़ी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, हाउस के फ्रंट में ही आपको इसका ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके ओवरऑल व्यू की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है और जो ये ड्राइंग रूम है, इसका एक डोर आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा, जो दूसरा डोर है वो आपका लिविंग एरिया में ओपन होगा। जो हमारा हाउस का मेन डोर रहेगा वो हमारा पार्किंग एरिया से सीधा आपको लिविंग एरिया की तरफ लेके जाएगा, लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया की तरफ लेकर जाएगा। आप इसका भी ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, आप इसका सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन लुक देखने को यहाँ पर मिल जाता है। हाँ तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के टेंपल रूम की तरफ। अभी हम इससे ज़्यादा आपको क्या कहें क्योंकि हमारे घर में इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। अभी आप देख सकते हैं, आपको सामने हाउस का ड्राइंग रूम एरिया दिख रहा होगा और इसी के बिल्कुल साथ में ही आपको हाउस का कॉमन टॉयलेट मिल जाता है और जो ये टॉयलेट है ये आपको हाउस के फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच दिखेगा। लीजिए, ये आ गया हाउस का फर्स्ट बेडरूम। आपको इसके अंदर बहुत अच्छा वुडन वर्क देखने को मिल जाता है, साथ में आपको वॉलपेपर भी देखने को मिलेगा और आपको सीलिंग डिजाइन भी इसके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। और जो इसकी वेंटिलेशन है वो आपको OTS से देखने को मिलेगी और जो अटैच टॉयलेट है उसकी भी वेंटिलेशन यहीं से होगी। आपको इस रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग एरिया भी देखने को मिल जाएगा और इसी ड्रेसिंग एरिया से एक डोर सीधा टॉयलेट की तरफ जाता है।
हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ। आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और आपको वार्डरोब के बीच में जहाँ हमारी विंडो लगी है और यहाँ पर आपको बैठने के लिए सेटी देखने को मिल जाएगी। सामने एक टीवी पैनल और अच्छी सीलिंग के साथ आपको यहाँ पर भी एक ओटीएस एरिया देखने को मिल जाएगा। और जो ये वाला रूम है, आपको इस रूम के साथ भी एक ड्रेसिंग एरिया और अटैच टॉयलेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप सामने की तरफ देख सकते हैं, हमारा ओटीएस एरिया आ गया है। ओटीएस में आपको एक बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है और यहीं से आपके टॉयलेट और सेकंड बेडरूम और फर्स्ट बेडरूम की वेंटिलेशन होगी। और जो ऊपर वाले बेडरूम हैं और उनकी भी आपको यहीं से वेंटिलेशन देखने को मिलेगी। हाँ जी, आइए अभी हम चलते हैं हाउस के किचन एरिया की तरफ। आप इसका ओपनिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, सामने आप किचन देख सकते हैं। और जो ये हमारी किचन है, हमने इसको वाइट और ब्लू थीम में रखा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो इस किचन की वेंटिलेशन है वो आपको पार्किंग एरिया की तरफ सामने देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं। हाँ तो आइए अभी हम चलते हैं हमारे स्टेयर एरिया की तरफ। स्टेयर के नीचे आप देख सकते हैं, आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप इस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ अभी हम स्टेयर से होते हुए ऊपर चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ और आपको ऊपर लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको ऊपर क्या क्या मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर आते ही आपको सामने फैमिली लाउंज एरिया देखने को मिल जाता है। हमने यहाँ पर अच्छी सिटिंग का अरेंजमेंट किया है और जो इसके बाकी वॉल डिजाइन है वो आप देख सकते हैं। हाँ तो आइए अभी चलते हैं हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ। आपको सेम ऊपर अच्छी वार्डरोब देखने को मिल जाएगी और सामने आपको अच्छा टीवी पैनल देखने को मिल जाएगा। और इस रूम की अच्छी बात यह है कि आपको इस रूम के साथ एक बालकनी भी अटैच देखने को मिल जाती है। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, आपको इसकी भी वेंटिलेशन ओटीएस से देखने को मिलेगी और इसकी वेंटिलेशन हमारी बालकनी से भी होगी। और दोस्तों आपको इस रूम के साथ भी अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है, जो कि आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ। आप इसका बैक वॉल डिज़ाइन देख सकते हैं। और दोस्तों जो ये रूम है, आपको इस रूम की भी वेंटिलेशन दो ओटीएस से देखने को मिल जाएगी। तो हम इससे आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि आपको इस रूम के साथ भी अटैच ड्रेसिंग मिल जाता है और अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है।
और जो ये टॉयलेट है ये आपको कॉमन यूज़ में भी आएगा, और जो हमारा फिफ्थ बेडरूम है ये आपको उस रूम के साथ भी अटैच देखने को मिलेगा। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा फिफ्थ बेडरूम है और ये हाउस के फ्रंट में रहेगा। आप देख सकते हैं आपको एक बहुत अच्छा साइज़ देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इस रूम के साथ भी आपको अटैच टॉयलेट देखने को मिलेगा जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। और दोस्तों इस रूम का एक गेट आपका सीधा बालकनी की तरफ जाता है। आप आगे बालकनी देख सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छे साइज की बालकनी मिल जाती है। और दोस्तों जो ये बालकनी है इसका एक गेट फैमिली लाउंज से भी रहेगा। और दोस्तों आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक अच्छे साइज का स्टोर रूम भी देखने को मिल जाता है। हाँ तो आइए अभी हम चलते हैं हाउस के सेकंड फ्लोर यानी हमारे हाउस के टेरिस एरिया की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं जो हमारे ओटीएस वगैरह हैं वो आपको कुछ ऊपर से ऐसे देखने को मिलेंगे, और आपको अच्छा ऊपर एक सिटिंग स्पेस मिल जाता है। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो आपको एक बहुत ही अच्छा स्पेशियस टेरेस देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको यहीं मिलेंगे। नमस्कार।